हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज के बायोलॉजी के वीडियो में हम हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी विनबर्ग थ्योरम पढ़ लेते हैं, साथ ही साथ इसका जो इक्वेशन है हार्डी विनबर्ग इक्वेशन के नाम से उसको भी आज स्टडी कर लेते हैं। इस लेक्चर को समझाने के लिए पिछले तकरीबन 5-6 लेक्चर्स मैंने अलग से रिकॉर्ड किए थे, इसलिए कि वो आप सुन के, वो लेक्चर आप देख के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ आपके लिए आसानी होगी। फिर भी मैंने कोशिश की हुई कि ऐसे वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने वो वीडियो अगर ना भी देखी होगी, तो मैंने अपनी तरफ से इतना अस्तर तरीके से लेक्चर ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि इंशाल्लाह आप सबको समझ आएगा। तो बायोलॉजी के मुश्किल टॉपिक्स में से ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। हालांकि अगर आप देखोगे तो उसमें 10-15 मिनट की वीडियोस भी अवेलेबल होंगी, 17 मिनट की वीडियोस भी अवेलेबल होगी, लेकिन मैं चीज़ों को आस्ता आस्ता पढ़ाऊँगा आपको, ताकि वो सिर्फ वो स्टूडेंट्स नहीं, जो बहुत तेज स्टूडेंट है जिनकी थोड़ी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, वो तो बस एकदम से समझ जाएंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनका बीएस कमज़ोर है, जो थोड़े स्लो पिक करते हैं, उनको भी मैंने मद्देनज़र रखना है। तो सबसे पहले हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी विनबर्ग थ्योरम, इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसका डेफिनेशन भी छोड़ देंगे, जो कुछ लिखा है वो सब छोड़ देंगे। इसका मेन आइडिया अगर मैं उठाना चाहूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे थ्योरम में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, कि सीखने के बाद स्टूडेंट के जहन में उससे एक एक फाइनल चीज़ समझ आ जाए, ठीक है, मेन जो किरदार है, तो वो क्या हो सकते हैं इस पूरे सीरीज़ का, एक खुलासा क्या हो सकता है, तो वो ये है, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ये बताती है कि किसी पॉपुलेशन के अंदर इवोल्यूशन पॉसिबल होगी या नहीं, अगर होगी तो क्यों, अगर नहीं होगी तो क्यों। ये उसका मेन आइडिया होगा, किसी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो सकती है या नहीं, द इवोल्यूशन इन अ पॉपुलेशन विल अकर और नॉट, बस ये उसका मेन आइडिया होगा। अच्छा, तो फिर अब हम आते हैं इसके डेफिनेशन को फिलहाल छोड़ के, इसके अंदर जो एक इक्वेशन है पी प्लस की इज इक्वल टू वन या पी स्क्वायर की स्क्वायर, जहाँ जहाँ भी आप देखो ना, तो ये इक्वेशन भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, इसमें आप देखें मैथ भी है बायोलॉजी भी है, इसीलिए इनको, ये जो कुछ आज आप पढ़ने जा रहे हैं, इनको दो साइंटिस्ट ने बनाए हुए हैं, हार्डी एक साइंटिस्ट है, विनबर्ग दूसरा साइंटिस्ट, इनमें से एक जो है मैथमेटिशियन है। तो ये दो साइंटिस्ट से एक थ्योरी में मिलती है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, इसीलिए चूंकि उसमें एक मैथमेटिशियन भी था, तो आपको ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू वाला क्वेश्चन मिल जा रहा है। ये मैं आपको समझा दूंगा, मेरा आज मेन फोकस इस चीज़ पर है, ठीक है। तो इस चीज़ को और इस चीज़ को, ये दो इक्वेशन है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, इससे मैं आपका कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, ये आपके काम आएगा कॉन्सेप्ट बनने के लिए, डेफिनेशन समझने के लिए। हार्डी विनबर्ग कर कह रहा है वो आपको यहाँ से समझ आएगा, और इस इक्वेशन की मदद से हम न्यूमेरिकल्स भी इंशाल्लाह सीखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में करना हुआ तो इससे फौरन बाद जो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा उसमें न्यूमेरिकल्स भी करवाऊँगा, ज़रूर कराऊँगा, ठीक है। अच्छा जनाब, तो इसमें अब हम आते हैं, ये हमारे पास एक उसका एक पॉपुलेशन है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के लिए, इसमें प्लांट्स है 1, 2, 3, 4, 5 प्लांट्स मैंने रखे हुए हैं, और इन प्लांट्स के अंदर आप कोई भी कैरेक्टर उठा सकते हैं, बीज का कलर, बीज का शेप, फूल का कलर, फूल का पोजीशन, कोई भी आप उठा सकते हैं। मैंने आसानी के लिए सिर्फ फ्लावर कलर उठाया हुआ है, फ्लावर कलर ये है। अब ये एक आबादी है, उसके अंदर तो 1000 प्लांट भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, मैंने अपनी आसानी के लिए सिर्फ ये 6-5 प्लांट्स लिखे हुए हैं। फूल का जो कलर है वो दो हो सकते हैं, एक रेड कलर है और एक ग्रीन कलर है, ये एक ही पॉपुलेशन है, एक तरह के प्लांट्स हैं, बस ये प्लांट फूल के कलर में एक दूसरे से वेरिएशन करते हैं, डिफरेंट है। अब आपको ये भी पता है कि फ्लावर कलर एक करैक्टर है,
और इसके दो कंट्रास्टिंग पेयर है, क्लास टेंथ में हमने ये भी पढ़ा था, इसके दो कंट्रास्टिंग पेयर है, एक रेड है तो दूसरा ग्रीन है। जब किसी कैरेक्टर में दो कंट्रास्टिंग पेयर आ जाए उनमें से एक डोमिनेंट होगा दूसरा रेसेसिव होगा, ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर ये फ्लावर कलर है, एक रेड है एक ग्रीन है, इनमें से एक डोमिनेंट होगा तो दूसरा रेसेसिव होगा। तो चले अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि रेड आपका डोमिनेंट है, रेड आपका डोमिनेंट है, तो उसका मतलब ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, और ये ग्रीन जो है ये क्या है, ये रिसेसिव है। तो एक चीज, एक आइडिया आप अभी से अपने जहन में रख ले कि रेड जो है वो डोमिनेंट है और ग्रीन जो है वो रिसेसिव है। अब इसके बाद हम आपको एक आइडिया, एक और आइडिया ये भी देंगे कि जो डोमिनेंट है, मतलब रेड डोमिनेंट है, इस डोमिनेंट को हम दो शक्लों में लिख सकते हैं, दो शक्लों में लिख सकते हैं, या डोमिनेंट अपने आप को दो शक्लों में एक्सप्रेस कर सकता है। एक का नाम क्या है, होमोजाइगस, दूसरे का नाम क्या है, हेटरोजाइगस। इन फिनोटाइप्स के लिए, रेड ग्रीन को लिखने के लिए हम एबीसी का इस्तेमाल करेंगे, ए ए बी बी सी सी डी डी सी लिखेंगे। अगर मैं रेड को आर से लिख दूं, आर से, ठीक है, और ग्रीन को मैं स्मॉल आर से मेंशन कर दूं, तो ये हो जाएगा आपका एबीसी में इसको एक्सप्रेशन। अब यहां पर भी तो चूंकि रेड लिखा हुआ है तो होमोजाइगस का मतलब क्या होगा कि वो जो R है उसको हम दो बार लिखेंगे, ठीक है। तो रेड होमोजाइगस में यानी एक तरह के होंगे, R R दोनों एक तरह के लिखेंगे, R R ये रेड हो गया। अब जो हेटरोजाइगस है उसके लिए हम किस तरह लिखेंगे इसको, एक होगा कैपिटल R और एक होगा स्मॉल R। दोबारा बताता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट को पहले से ही पता होगा, डोमिनेंट करेक्टर अपने आप को दो कंडीशन में, दो तरह के जीनोटाइप्स में एक्सप्रेस करता है। अगर उस प्लांट के जीन के अंदर दोनों आर आर आ गए तो भी उसका फूल का कलर सुर्ख होगा, ये तो ठीक है। अगर उस प्लांट के फ्लावर के लिए एक जीन कैपिटल आर का आ जाए, दूसरा जीन स्मॉल आर का आ जाए, यानी एक सुर्ख जीन, सुर्ख कलर का जीन है, एक ग्रीन कलर का जीन है, तो दोनों जीन जब एक प्लांट के अंदर आ जाए तो प्लांट का फ्लावर बैक वक्त सुर्ख भी हो और ग्रीन भी हो, ये अजीब सा लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो बाज़ एक्सेप्शनल केसेस में है। लेकिन किसी एक ने अपने आप को एक्सप्रेस करना है, दूसरा खामोश रहेगा। तो अगर ये दोनों एक साथ आ जाएंगे किसी प्लांट में, कैपिटल आर अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, स्मॉल आर छुप जाएगा, यानी सुर्ख कलर नज़र आएगा, ग्रीन कलर नज़र नहीं आएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं सुर्ख कलर बदमाश है, सुर्ख कलर डोमिनेंट है आर के ऊपर, ठीक है, ग्रीन के ऊपर। तो ये रहा रेड, यानी अब आपको जो रेड फ्लावर नज़र आ रहे हैं जितने भी रेड, ये या तो आर आर होंगे या कैपिटल आर स्मॉल आर होंगे। पॉसिबल है कि सब के सब कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर हों, या इनमें से एक दो कैपिटल आर कैपिटल आर हों, तीसरा जो है कैपिटल आर स्मॉल आर हों, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये आपको दूर से नज़र नहीं आएगा। आपको दूर से फिनोटाइप का मतलब जो आंख से नज़र, फिनोटाइप के लिए आपको रेड रेड नज़र आएंगे, अंदर इसका जो जीनोटाइप है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ जीनोटाइप, जो अभी आप लिख रहे हैं ना यहाँ से, ये आर 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 आर, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ जीनोटाइप। तो मेरे भाई जीनोटाइप नज़र नहीं आते दूर से, जीनोटाइप के लिए आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा, उसके क्रोमोसोम के अंदर जीन देखने पड़ेंगे कि वो जीन कौन कौन से हैं। अच्छा जनाब, तो ये हो गया होमोजाइगस और यह हेटरोजाइगस, ये डोमिनेंट अपने आप को इन दो शक्लों में कर सकते हैं। अब जो जो ग्रीन है, चूंकि ग्रीन हमारे पास रिसेसिव है, तो रिसेसिव अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक
कंडीशन में एक्सप्रेस, एक तरह के हालत में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो है होमोजाइगस। तो होमोजाइगस के लिए हम लोग इसको किस तरह लिखेंगे, ऐसे स्मॉल आर स्मॉल आर, दोनों हमारे पास कौन सा है स्मॉल आर, यानी किसी भी प्लांट के फूल को ग्रीन होने के लिए उस प्लांट में दोनों जीन, एक नहीं दोनों जीन अगर स्मॉल आर यानी ग्रीन की आ जाए, फिर वो फ्लावर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ तक जो आप दो दो एबीसी की चीज़ें देख रहे हैं, आर आर कैपिटल आर स्मॉल आर या स्मॉल आर, आप इसको बाज लेक्चर्स में बाज बुक्स में कैपिटल ए आपको नज़र आ सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए नज़र आ सकता है, स्मॉल ए नज़र आ सकता है, ये आप अपनी मर्जी से आप कहीं भी जा कर देख सकते हैं, नो इशू एट ऑल। तो ए बी सी है, आप अपनी मर्जी से कोई भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको मज़ीद क्या बताने जा रहा हूँ, ये जो आर आर है ये वापस थोड़ा ऊपर आ जाइए, क्योंकि आपको जीनोटाइप तो समझ आ गया, अब मैं आपको एलील फ्रीक्वेंसी बताने जा रहा हूँ। ये जो एक प्लांट है जिसका रेड फ्लावर है, इस रेड फ्लावर का जीन प्लांट के अंदर मौजूद होगा पक्का, और प्लांट के अंदर वो जीन प्लांट के क्रोमोसोम के अंदर होंगे। इस प्लांट में तो बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे ना इसके सेल के अंदर, उनमें से मैं सिर्फ अपने काम का एक क्रोमोसोम निकाल देता हूँ, उस क्रोमोसोम के अंदर इसका जो जीन है सुर्ख कलर का जीन, वो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख लेता हूँ, एक डॉट लिख लेता हूँ कि ये इसका जीन यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसको एबीसी में कैपिटल आर इसके लिए लिख लेता हूँ, स्मॉल आर नहीं लिखता हूँ क्योंकि हमें पता है कि रेड जो है डोमिनेंट है, ठीक है। अब इसके लिए चूंकि वो ग्रीन है तो बिल्कुल इसी तरह का इसी यही नंबर वाला क्रोमोसोम अगर इसके अंदर भी होगा तो इसके अंदर जो है उसी जगह पर उसी पोजिशन पर उसी लोकस पर हम जीन आपके लिए रखेंगे कि ये वाला जो जीन है ये इस ग्रीन कलर का है, तो मैं इसको स्मॉल आर लिख लेता हूँ। फिर इसी तरह से ये जो दूसरा प्लांट है इसके अंदर भी चूंकि वो रेड है तो मैं उसको स्मॉल इस तरह से कैपिटल आर लिख लेता हूँ, ये भी चूंकि रेड है तो इधर भी कैपिटल आर लिख लेता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं स्मॉल आर लिख लेता हूँ। तो अब देखो इनके क्रोमोसोम पर ये जो एक एक जीन आपको नज़र आ रहा है, इस जीन को हम लोग एलील भी कहते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट की एक और कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई कि भाई एलील जीन का ही नाम है, एलील कोई डिफरेंट चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एक वीडियो इस पर बनाई हुई है इससे पहले, डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील, ठीक है। और वो वीडियोज़ जीनोटाइप फिनोटाइप डोमिनेंट रिसेसिव होमोजाइगस हेटरोजाइगस सारे के सारे चंद पाँच दस दस मिनट वाली वीडियोज़ मैंने सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड की थी ताकि आपको यू नो, लेकिन शुक्र है कि आज दोबारा वो चीज़ें फिर से दोबारा रिपीट हो भी रही है। अब यहाँ तक अगर आप एक एक सिंगल आर अगर आप देख रहे हैं ना, तो ये इट इज अलील, नॉट इज अलील अलील अलील, हालांकि जीन ही है लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, अलील 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 अलील। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ ही देर के बाद मैं यहाँ पर आपके लिए एक और क्रोमोसोम लिखने जा रहा हूँ। हमें पता है कि क्रोमोसोम जोड़ी की सूरत में होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर मेरे बॉडी के अंदर प्लांट के अंदर जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम जोड़ी की सूरत में होते हैं। तो इस क्रोमोसोम का जो इस प्लांट के अंदर है इसका जोड़ा ज़रूर होगा, इसका पेयर ज़रूर होगा। तो अगर मैं वो पेयर यहाँ पे लिख दूँ, इसका जोड़ा मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, और इसका जो जोड़ा है वो यहाँ पे लिख दूँ, और इसका जो जोड़ा है वो यहाँ पे लिख दूँ, और इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे। अब अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास जो क्रोमोसोम वो जोड़े की सूरत में आ गए। जब जोड़े की सूरत में आ गए तो भाई ये तो जोड़ा है, तो इस तरह का पोजीशन यहाँ पर भी होगा तो इधर भी तो जीन होगा, ठीक है। आप देखो अब ये हमारे पास जो जीन है ना वो जोड़े की सूरत में आ गए, ठीक है। तो अब ये दोनों रेड रेड डॉट में लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों एक रेड है, मतलब दोनों कैपिटल आर है, सही है।
दोनों कैपिटल आ रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों चूंकि एक जैसे हैं तो वो किस कंडीशन को शो करता है? ये वाला होमोजाइगस रेड है, आर आर। अब ये चूंकि ग्रीन है, ग्रीन अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही ग्रीन कर सकते हैं, तो इसके अंदर जो इसका पार्टनर एलील है, जीन है, उसको भी हम आर आर लिखेंगे, तो ये दोनों आर आर हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब इस केस में चलो मैं सपोज कर लेता हूँ कि इस केस में उसको स्मॉल आर बना देता हूँ, एक इसमें एक कैपिटल आर है, दूसरा कौन सा है, स्मॉल आर है। तो ये बड़ा मज़ेदार पॉइंट है, इस प्लांट के अंदर जो क्रोमोसोम का जोड़ा है, एक क्रोमोसोम पर रेड कलर वाला जीन है, इसका पार्टनर वाले क्रोमोसोम पर ग्रीन कलर वाला जीन है, लेकिन जब ये दोनों क्रोमोसोम इस प्लांट के अंदर है, लेकिन ये सिर्फ सुर्ख कलर का जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो इसका मतलब ये है कि सुर्ख कलर डोमिनेंट है, वो छुपा हुआ है। तो इस तरह के केस में हम क्या लिखेंगे, इस तरह के केस में, इस तरह के केस में हम कैपिटल आर और स्मॉल आर लिखेंगे इसके लिए, ठीक है। अच्छा, इस केस में आप इसको भी उसी तरह से कर सकते हैं कि इसके अंदर एक ग्रीन कलर का जीन, एक सुर्ख कलर का जीन है, तो इसको भी हम कैपिटल आर और स्मॉल आर लिख देते हैं, इसी तरह वो दोनों जो है स्मॉल आर है। तो अब आप देखें, हमारे पास इनका अब जीनोटाइप बन रहा है। शुरू शुरू में जो था इसका, जो सिर्फ आपको एलील नज़र आ रहे थे, इन एलील की तादाद को आप क्या नाम देंगे, एलील फ्रीक्वेंसी। क्या का नाम थे, एलील फ्रीक्वेंसी। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एलील फ्रीक्वेंसी बन जो बताओ, किस चीज़ का, कैपिटल आर का, सिर्फ एक आर है एलील फ्रीक्वेंसी में, आप सिंगल आर की या सिंगल स्मॉल आर की या कैपिटल आर की, आप नंबर चेक करते हैं नंबर, तो भाई इसका नंबर आप मुझे बताओ कितने आर आर है कैपिटल आर, तो वो एक दो तीन चार, कितने आर आर है, चार कैपिटल आर आर है, तो आर इज इक्वल टू फोर आउट ऑफ टोटल कितने, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, टोटल दस जीन्स है, छोटे आर बड़े आर को मिला के कुल टोटल जो जीन्स है, तो चार आउट ऑफ टेन इसका जो आंसर आ जाएगा वो होगा एलील फ्रीक्वेंसी। सो ये आ जाएगा राउंड अबाउट 0.4। तो ये जो 0.4 है ये आपका एलील फ्रीक्वेंसी है, किस एलील का, आपको पता है कि ये एक एलील है और इसकी तादाद आउट ऑफ टोटल इसका एलील फ्रीक्वेंसी बनाएगा। तो कितना जबरदस्त आसान है, आर जो है वो आपको मिल गया 0.4। 0.4 इज एक्चुअली एलील फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसी तरह आपको स्मॉल आर की एलील फ्रीक्वेंसी भी आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अब उस पर टाइम जाया नहीं होने देंगे, तो आसान है, आपको पता चल गया कि स्मॉल आर की एलील फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। अब नीचे आप जरा थोड़ा नीचे आ जाएं, इसमें देखो मैंने इसको कैपिटल आर लिखा हुआ है और इसको स्मॉल आर लिख लेते हैं, स्मॉल आर इसको स्मॉल आर लिख लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये दोनों स्मॉल आर है। तो अब ये जो जोड़े जोड़े की सूरत में आपको एबीसी नज़र आ रहा है, वहाँ पर सिंगल आर आप उसकी तादाद मालूम कर रहे थे, वो एलील फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर जोड़े जोड़े की सूरत में है दिस। अब ये वाला ब्रैकेट में देखो, इस ब्रैकेट के सामने मैंने क्या लिखा हुआ है, ये दरअसल आपका एलील फ्रीक्वेंसी। अब इस ब्रैकेट के सामने हमारे पास ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये जीनोटाइप है, ये क्या है, जीनोटाइप। अगर आप इसकी तादाद मालूम करोगे ना, तो दिस विल बी कॉल्ड एज जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, इसका नाम होगा जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। आप ये भी दे सकते हैं, हाँ भाई मुझे बताओ कि इस आबादी में कैपिटल आर वाले कितने इंडिविजुअल्स हैं, आप ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस आबादी में कैपिटल आर वाले कितने इंडिविजुअल्स हैं, या आप ये पूछ सकते हैं कि रेड कलर वाले कितने हैं, तो आप बताएंगे रेड कलर वाले तीन प्लांट्स हैं, लेकिन उनके अंदर होमोजाइगस रेड कितने हैं वो नहीं पता, हम उसको कैसे शो करेंगे,
इससे शो करेंगे कि भाई होमोजाइगस रेड कितने हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि हेट्रोजाइगस रेड कितने हैं या होमोजाइगस ग्रीन कितने हैं या रिसेसिव करेक्टर कितने हैं, तो कितने हैं कितने हैं ये किसी आबादी के अंदर जो भी प्लांट आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी एनिमल आप स्टडी कर रहे हैं, उनकी तादाद आपको कौन बताएगा? हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन बताएगा। ये इक्वेशन आपको बताएगा इसकी तादाद कितनी है। इसीलिए तो हम इतना सारा जंजाल सीख रहे हैं, ये यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, अब ये भी क्लियर हो गया, ये आपका जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है इसकी तादाद और ये आपका जीनोटाइप है। अब हम एक काम कर लेते हैं, हार्डी विनबर्ग इक्वेशन में हम लफ्ज दो एबीसी के दो अल्फाज यूज करते हैं, पी और क्यू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं कि पी क्या है क्यू क्या है, कोई मुश्किल नहीं है। जहां जहां आपको रेड कलर नजर आ जाए, जहां आपको रेड कलर नजर आ जाए, चूंकि रेड डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट, वो जो डोमिनेंट होगा उसको हम किस चीज से शो करेंगे, पी से शो करेंगे, बात खत्म। और जो रिसेसिव होगा उसको हम किस चीज से शो करेंगे, क्यू से शो करेंगे। आ जवाब आप, अब ये इसमें डोमिनेंट है, इसमें ये कैपिटल आर, कैपिटल आर है। अगर सिंगल आर आ जाता तो हम उसको सिर्फ पी बोल लेते, लेकिन अगर डबल आर आ जाए तो पी मल्टीप्लाई बाय पी लिखेंगे। लेकिन इससे बेहतर ये होगा कि हम उसको पी स्क्वायर लिख देते हैं। तो अब आई हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो डोमिनेंट होगा, जो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा उसको हम पी स्क्वायर लिखेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट पी स्क्वायर। अब जो रिसेसिव है वो तो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में आएगा, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्यू का स्क्वायर लिखेंगे। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रिसेसिव को हम लोग क्यू से यूज़ करेंगे, लेकिन चूंकि दो बार क्यू आया हुआ है तो क्यू स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा, आपके पास जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें जो होमोजाइगस होगा, डोमिनेंट होमोजाइगस होगा उसको पी स्क्वायर से लिखेंगे, और डोमिनेंट हेट्रोजाइगस को आप किस से लिखेंगे, टू टू मल्टीप्लाई बाय पी एंड क्यू। अब आपको पता है कि ये पी क्या है, ये आपका डोमिनेंट है, और क्यू क्या है, ये आपका रिसेसिव है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर चूंकि हेट्रोजाइगस है तो उसको लिखने के लिए हम लोग पी क्यू के साथ जस्ट टू ऐड करते हैं। तो ये आपके लिए एक और न्यूमेरिकल में काम आएगा। अगर न्यूमेरिकल में पूछा जाए कि भाई हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, तो फिर आप ये वाला जो है नंबर इसको फाइंड करोगे, टू पी क्यू को फाइंड करोगे। और अगर वो आपसे पूछे कि होमोजाइगस रिसेसिव कितने होंगे, तो फिर आप किस चीज़ को फाइंड करोगे, क्यू स्क्वायर को फाइंड करोगे। अब हम क्या करते हैं, इधर से जो मैंने आपको जस्ट सिंपल पी एंड क्यू बता दिया था, इस पी एंड क्यू से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, पी प्लस क्यू, यानी जितने भी डोमिनेंट एलील है, आपको पता है डोमिनेंट एलील कौन सा है, और उसको अगर आप रिसेसिव एलील के साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज टू, पी इज द व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, और क्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। कहते हैं अगर आप इनको आपस में प्लस करोगे तो इनका आंसर वन आना चाहिए, वन आना चाहिए। अगर पी प्लस क्यू का आंसर वन आ जाए किसी भी पॉपुलेशन में, या कोई भी पॉपुलेशन इस इक्वेशन को मान ले, एग्री करे, एक्सेप्ट करे इस इक्वेशन को, वो वाला पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में होगा, वो वाला पॉपुलेशन में कभी इवोल्यूशन नहीं आएगा। ये पॉइंट जो मैंने आपको शुरू में बताया था वो यहां पर अब क्लियर हो गया। हार्डी विनबर्ग में ये बताना चाहते थे
कि किसी पॉपुलेशन में एवोल्यूशन आएगी या नहीं आएगी, उसने इस फार्मूले से मुझे बता दिया कि अगर कोई एवोल्यूशन, कोई पॉपुलेशन इस फार्मूला को मान रहा है, यानी उस पॉपुलेशन का पी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील दोनों की फ्रीक्वेंसी एक के बराबर है, एक से ऊपर नहीं है, एक से नीचे नहीं है, तब जाकर हम कहेंगे कि ये वाला पॉपुलेशन, इसमें एवोल्यूशन नहीं आई हुई है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन। अब मैं आपको इसका एग्जांपल भी बता दूंगा, डोंट वरी, एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी है, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा ब्रॉड करके देखा जाए, ठीक है, ब्रॉड करके, तो ये तो हमें सिर्फ क्या बता रहा है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम बता रहा है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अब आपको एक और डेफिनेशन समझ आ गया, जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या है, अगर व्हाट इज जेनेटिक इक्विलिब्रियम, तो भाई आप ये बताओ कि किसी पॉपुलेशन में पी प्लस क्यू इक्वल टू वन, अगर पी प्लस क्यू इक्वल वन के बराबर है तो हम कहते हैं दिस इज जेनेटिक इक्विलिब्रियम। और जेनेटिक इक्विलिब्रियम से मेरे पास, आपके पास इवोल्यूशन का एक नया डेफिनेशन भी आ जाता है, एवोल्यूशन का नया डेफिनेशन। पुराना डेफिनेशन तो बहुत ज्यादा हमने सुना होगा, वक्त के साथ साथ जानवरों की शक्ल वगैरह में तब्दीली, ठीक है। अब इवोल्यूशन का जो दूसरा डेफिनेशन है वो ये है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम से अगर वैल्यू चेंज हो जाए, अगर वैल्यू क्या हो जाए कि डेविएट करे वैल्यू, यानी बजाय इसका आंसर वन से छोटा आ जाए या वन से बड़ा आ जाए, दिस इज कॉल्ड डेविएशन। डेविएशन नॉर्मल वैल्यू से किसी चीज का हट जाना, वे डेविएशन। तो डेविएशन फ्रॉम द जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इवोल्यूशन। अब आ जाए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है जेनेटिक, फॉन्ट साइज छोटे होंगे, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अगर आपको फॉन्ट साइज सही नजर नहीं आ रहा है तो यह है जेनेटिक इक्विलिब्रियम। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील रिमेन कॉन्स्टेंट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। सो आप ये भी लिख सकते हैं, व्हेन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ओके, एनी डेविएशन फ्रॉम द जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एवोल्यूशन। अब ये है एवोल्यूशन का एक नया डेफिनेशन। तो अब माशाल्लाह से जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी आपको समझ आ गया और एवोल्यूशन का एक नया डेफिनेशन भी आपको समझ आ गया। अच्छा, इस फार्मूले को मैं अब एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ तक हम सिर्फ एलील के लेवल पे बात कर रहे हैं, एलील के लेवल, कोई जीनोटाइप की बात आई नहीं रही है। अगर जीनोटाइप पर आ जाए ना, तो आपको पता है जीनोटाइप तीन तरह के हैं, एक दो तीन, एक फ्लावर कलर के लिए तीन तरीकों से होगा, होमोजाइगस होगा, हेटरोजाइगस होगा और होमोजाइगस होगा। तो हम इसी तरह तीन वैल्यूज ड्रॉ करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, ऐसा, या पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो ये इसी फार्मूले का थोड़ा सा एक्सटेंशन है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इज इक्वल टू वन। ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए था, जबकि ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, पूछा जाएगा कि भाई किसी आबादी में, किसी पॉपुलेशन में 1000 प्लांट है, उन 1000 में से 500 होमोजाइगस है, तो फिर हेटरोजाइगस कितने हैं, रिसेसिव कितने हैं, डोमिनेंट कितने हैं, वो ये वहाँ पर काम आएगा। और मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के बाद न्यूमेरिकल ज़रूर 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 सिखाऊंगा। वो न्यूमेरिकल एमडीकेट के स्टूडेंट्स के लिए भी सही है, एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी सही है, तो उनसे आइडिया ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसका एक और प्रूफ आपको देता हूँ। इसका प्रूफ अगर मैं आपको दूंगा तो फाइनली हार्डी वेनबर्ग का डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाहिद ऐसा लेक्चर है जिसमें हम लास्ट में डेफिनेशन समझ जाएंगे, यानी इसके बाद मैं आप लोगों को गाड़ी में बिठा के इधर ले आऊँगा, इस डेफिनेशन की तरफ ले आऊँगा, ठीक है। चलिए जनाब, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक आप समझ आएंगे, ठीक। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अच्छा, एक तो मैं कभी कभी लेक्चर रिकॉर्ड कर लेता हूँ और देखता हूँ कि माइक ऑफ रहता है, तो सारा मेहनत मेरा ज़ाया हो जाता है। अच्छा जनाब, ठीक है, चले। सपोज हमारे पास एक वो पॉपुलेशन है
उसमें मैं जानदारों की तादाद कुछ इस तरह से लिखना चाहूँगा, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, इस छोटी सी आबादी में कितने इंडिविजुअल्स हैं, ये एक इंडिविजुअल है, ये दूसरा इंडिविजुअल है, ये तीसरा चौथा पांच इंडिविजुअल्स उस आबादी के अंदर हैं, और ये आपको उसके जीनोटाइप्स नजर आ रहे हैं। आप ये रिप्रोड्यूस करेंगे, बच्चे देंगे, एक इसका नेक्स्ट जेनरेशन आएगा, ठीक है, बच्चे देंगे। जब ये बच्चे देंगे तो इसका कैपिटल आर के साथ एक और बच्चा आ जाएगा ना, पहले एक थे अब दो हो गए, रिप्रोड्यूस कर लिया ना, कि स्मॉल आर स्मॉल आर, एक था अब ये क्या हो गया, दो हो गया। इंसाफ का तकाजा है कि हर जानदार उतना ही बच्चे देते हैं जितना कि दूसरे ने दिया हुआ है, ये नहीं है कि एक ने दो बच्चे दिए हुए दूसरे ने तीन बच्चे दिए हुए। इंसाफ जस्टिस, इसका भी एक से दो हो गए, इसके भी एक से दो हो गए, इसके भी एक से दो हो जाते हैं, ठीक है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके भी दो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ये एक सेकेंड जनरेशन है। अब ये सेकेंड जनरेशन आप बच्चे देंगे तो कुछ इस तरह से होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, ये दो बच्चे तो पहले से थे अब ये तीसरा आ गया, ठीक है। इसी तरह स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, इस तरह ये भी लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर 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 कैपिटल आर स्मॉल आर, बच्चे दे रहे हैं, आबादी बढ़ रही है माशाल्लाह, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो ये पहला जनरेशन है, ये तीसरा जनरेशन है, वक्त गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है, आबादी बढ़ रही है। आपने देखना है ये इस पॉपुलेशन में इस पॉपुलेशन में इस पॉपुलेशन, ये एक ही पॉपुलेशन है, एक ही जगह पर है, ठीक है। तो अब हम हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल इस पर अप्लाई करते हैं कि इस तरह जो पॉपुलेशन है क्या इसमें इवोल्यूशन हुई है या नहीं, ठीक है। और इन पॉपुलेशन को हम चेक करेंगे कि क्या ये हार्डी विनबर्ग इक्वेशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। फॉलो करेगा तो भी पता चलेगा, फॉलो नहीं करेगा तभी पता चलेगा। आइए सबसे पहले हम इसका पी मालूम करेंगे। आपको पता है कि पी क्या चीज़ है, डोमिनेंट एलील है ना, तो चले इसका मुझे बताओ डोमिनेंट एलील कितने हैं, आर। इधर कैलकुलेशन कर लेता हूँ, आर आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इसके कितने हैं, एक दो तीन चार, चार है। टोटल कितने हैं, टोटल एलील्स कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, फोर आउट ऑफ टेन, ये है इसका डोमिनेंट एलील। लेकिन अगर आप उसको डिवाइड करोगे मज़ीद तो ये आ जाएगा 0.4, इसका आंसर आ जाएगा। सो 0.4 जो है ये इसका आर का फ्रीक्वेंसी है, एलील फ्रीक्वेंसी है। और स्मॉल आर अगर मैं आपको देखूँ, स्मॉल आर तो स्मॉल आर इज इक्वल टू वो कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, वो छः हैं हमारे पास, और टोटल कितने जीन हैं, टोटल एलील 10 है, तो 6 आउट ऑफ 10, 6 आउट ऑफ 10 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, अराउंड अबाउट 0.6 आएगा, ठीक है ना। अभी देखो आपका जो आर है क्या मैं उसको पी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। यानी आर अगर 0.4 है तो हकीकत में ये 0.4 हमारे पास क्या है, ये पी है, और ये हमारे पास 0.6 क्या है, ये हमारे पास क्यू है। तो आओ हम देखते हैं इसका पी प्लस क्यू क्या बनता है, पी प्लस क्यू इसका क्या बनता है ये वाला। तो अगर मैं बताऊँ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू व्हाट, पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है 0.4, क्यू की वैल्यू क्या है 0.6, अगर आप इसको इक्वल करोगे ना तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी P प्लस क्यू किसके इक्वल हो गया, 1 हो गया।
वन की इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉपुलेशन है यहाँ तक, ये हार्डी विनबर्ग को फॉलो करता है, इसमें इवोल्यूशन नहीं आई है क्योंकि वो इसको फॉलो कर रहा है, पी प्लस की इज़ इक्वल टू वन आ रहा है। अब देखो आबादी बढ़ गई, इसमें अगर हम लोग अब दोबारा से आकर फाइंड आउट करते हैं, किस चीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर से कैपिटल आर को फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल आर की फ्रीक्वेंसी हम लोग मालूम करेंगे, इसमें कितने हैं भाई, सिंपल है, अगर इसमें चार थे ना तो इसमें आठ हो जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे, कैपिटल आर आठ हो जाएंगे, टोटल अगर इसमें दस थे तो इसमें फिर बीस हो जाएंगे, 8/20, ये r के लिए आ जाएगा। स्मॉल r के लिए क्या करेंगे, स्मॉल r पहले 6 थे तो अब ये 12 हो जाएंगे और 10 जो है वो 20 हो जाएंगे। इसकी भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आप कर लोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 4 2 8 4 5 20, और एक मिनट, दैट इज कैपिटल आर इज योर पी, दैट मस्ट बी इक्वल टू 4/10, हाँ दो पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है बिल्कुल, 2 4 8, 2 10 20, राइट, तो आंसर कितना आया, 4/10, 4/10 को भी अगर आप मज़ीद डिवाइड करेंगे तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 2 2 4 2 5 10, अगर आप इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओ माय गॉड,